Hello dear students, a very good morning to all of you. This is Nishant Hussain. Today I am going to teach literature book of class 6, unit 3, section C. The topic name is The Curious Robot. आपने देखा होगा आज अब बहुत यानी अब रोबोट के जरिए लोग नए रोबोट को बनाया जाता है. रोबोट फिल्म आपने देखा होगा उसमें कैसे रोबोट काम करता है और रेलवे भी रोबोट को बनाने के बाद रोबोट इंसान की तरह काम करता है ना. तो क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुकता, बेचैनी, किसी चीज को जानने के लिए, टू नो है ना, वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट समथिंग. किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना. What do you think of when robotic term mean? अब जो इसमें होता है स्टैंडर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सेंसर देखते हैं टॉपिक में. In a far distant future, Earth is inhabited by robots and the quantity of the human race is less than 1000. There are three main classes of robot: construction, transport and repair robots. This is a story of a special repair robot. It was small, new, yellow and curious. अब बता रहा है कि फ्यूचर के बारे में. अर्थ इज इनहैबिटेड यानी अर्थ में जो है रोबोट होगा है ना, और ह्यूमन की संख्या कम होगी है ना. और उसके बाद तीन तरह के रोबोट होंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन में, एक ट्रांसपोर्ट लाइन में, एक रिपेयरिंग रोबोट में. फिर कह रहा है ये जो स्टोरी है दिस इज स्टोरी ऑफ स्पेशल एक रिपेयर रोबोट होता है जो रोबोट को रिपेयर करता है. वाज स्मॉल वो छोटा है और ये येलो यानी पीले रंग का है ना. उसके बाद क्यूरियस वेरी बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है. आई वॉन्ट दिस कार ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. समवन इज हियर हु इज आस्किंग जो पूछ रहा है मैं इस कार को चाहता हूँ है ना अगले आधे घंटे एक घंटे में. सेट द ब्लू ट्रांसपोर्ट रोबोट जो ब्लू ट्रांसपोर्ट रोबोट होता है वो कहता है इसे कहता है येलो वन इसे कहता है ना. कॉल चीज 59 टू द स्मॉल येलो डिबिया एक स्मॉल येलो डिबिया रहता है ना. कहता है रोबोट आर 62 से एज पर योर रिक्वेस्ट जैसा आपने हमसे निवेदन किया है. रिप्लाई उत्तर दिया वेल्डिंग टेबल टू मेटल प्लेट्स यानी उसको वेल्डिंग करना होगा. वेल्डिंग आपने सुना होगा जिसमें आपको आयरन को जो है आग से यानी है ना फायर किया था उसको एड उसको जो है एड ज्वाइन किया था उस तरह से मेटल को ज्वाइन करना है वेल्डिंग करना है. इन दिस बिग सिटी इस बड़े शहर में देयर वाज अ लॉट ऑफ व्हीकल ट्रैफिक एंड द आर 62 यूज्ड टू लुक एट एवरी टाइम द कार्स दैट वुड पास बाय. कह रहा है कि इस बड़े शहर में बहुत सारी अलर्ट बहुत है व्हीकल है बहुत व्हीकल ट्रैफिक है. ट्रैफिक में क्या जानते हो ना ट्रैफिक क्या होता है जहाँ पे जाम लग जाता हो है ना. और आर 62 जो है बहुत कम दिखता है. सडनली अचानक है ना स्पेशल फैंसी कार केम एस्कॉर्टेड बाय फोर स्पेशल गुड रोबोट्स ऑन मोटर बाइक्स. यानी कह रहा है एक स्पेशल बाइक आती है, एक स्पेशल कार गुजरती है, वो फैंसी कार होती है ना. और उसके पीछे जो है चार रोबोट होते हैं. कितने? चार रोबोट जो ब्लू कलर के होते हैं. सॉरी आर 62 लुक एट इट वो क्या है उसके अंदर देखता है विद ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रुचि के साथ. आज T59 वॉट इधर वो क्या है द कार स्टॉप इन स्पेशली कार जो है एक खास तरह से रुकता है. एंड द फोर ब्लू रोबोट्स जो चार ब्लू रंग के रोबोट्स होते हैं गैदर्ड एट द ओपनिंग ऑफ द व्हीकल यानी वो इकट्ठा होता है डोर को ओपन करने के लिए. दिस इज नाइदर अ कंस्ट्रक्शन रोबोट ये कंस्ट्रक्शन रोबोट नॉट अ ट्रांसपोर्ट रोबोट और अ रिपेयर रोबोट नाइदर अ ड्रॉयड नॉट एन नॉट एन इट इज अ ह्यूमन आंसर द ट्रांसपोर्ट रोबोट टू द स्मॉल येलो रोबोट. कह रहा है यह जो है ना तो वो कंस्ट्रक्शन रोबोट है ना वो ट्रांसपोर्ट रोबोट है और ना वो रिपेयर रोबोट है ना वो एंड्रॉयड है या ह्यूमन है. वाह अ ह्यूमन है नेवर सीन वन सेड आर मतलब वो कह रहा है मैंने कभी इंसान को ऐसा नहीं देखा. और सीटू के अंदर है द ह्यूमन एस्टेट आउट ऑफ द व्हीकल वाज सराउंडेड बाय द फोर एस्कॉर्ट रोबोट ही लुक्ड अ बिट स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रोबोट्स. कह रहा है द ह्यूमन एस्टेट आउट ऑफ द व्हीकल अब जो ह्यूमन जो है वो जो इंसान है ना वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके चारों तरफ जो है एस्कॉर्ट रोबोट घिरे रहते हैं चारों तरफ से. व्हाट अ विम बोले तो Someone who is not strong or brave, यानी बोले तो कमजोर कायर
ऐसे इंसान जो है कितना कितना कमजोर इंसान है सिड आर हिट आफ्टर गेटिंग हिज फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार में देखता है बहुत कमजोर लगता है, पक्का दुबला है ना, व्हाट अ विम पर्सन, समवन हु इज नॉट स्ट्रांग, डोंट अंडरएस्टिमेट द ह्यूमंस, कह रहा है उसको उसको है ना अंडरएस्टिमेट मत करो, दे आर सुपीरियर टू अस रोबोट, वे हम लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दे आर एबल टू परफॉर्म एनी एक्शन दे वांट टू इवन दोज व्हिच रोबोट्स कैन नॉट परफॉर्म सच एज गिविंग ऑर्डर टू रोबोट्स टू डिस्ट्रॉय देम और कंस्ट्रक्ट न्यू वंस, कह रहा है वो इंसान है हमसे ज्यादा कैपेसिटी है, हमसे ज्यादा योग्य है, वो जो चाहे कर सकते हैं है ना, वो चाहे तो रोबोट्स को ऑर्डर दे सकते हैं, रोबोट को बर्बाद कर सकते हैं, एक दूसरा नया रोबोट बना सकते हैं, दे आर इवन एबल टू हार्म अनदर ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनाइज मास मास डिस्ट्रक्शन व्हिच दे हैव बीन डूइंग द लॉट इन दिस स्टेज आल्सो दे डोंट इवन हैव टू फॉलो ऑर्डर्स इफ दे डू नॉट वांट टू सी द ट्रांसपोर्ट रोबोट ट्रांसपोर्ट रोबोट टीटोटी यूनाइट क्वालिटी टू द योर रोबोट्स बिसाइड हिम, क्या रहा है वो इंसान है वो ऐसे यानी एक ह्यूमन बीइंग कैन मेक अनदर रोबोट है ना, अ ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय अनदर ह्यूमन, अ ह्यूमन कैन ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय रोबोट, अ ह्यूमन कैन बिल्ड अनदर वन रोबोट, वो जो है इंसान है हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो एक नया रोबोट बना सकता है, वो चाहे तो रोबोट को बर्बाद कर सकता है ना, ये इंसान है, व्हाट अ डेंजरस थिंग, कितना खतरनाक चीज है, आई कैन ओनली रिपेयर्स ऑन रिपेयर्स कार, मैं सिर्फ कार को रिपेयर कर सकता हूँ, आर सिटी जो कहता है ये कितना खतरनाक है यार, नया रोड इतना खतरनाक, नया रोड ही बना सकता है, इंसान को भी खतरा पहुंचा सकता है ना, और रोड को भी खतरा पहुंचा सकता है, हमसे ज्यादा पावरफुल है, मैं तो सिर्फ कार को रिपेयर कर सकता हूँ, कौन कहता है, रोड आर सिटी जो कहता है, इफ यू ट्राई टू हार्म द ह्यूमंस और गिव ऑर्डर टू देम योर सर्किट विल ग्रो सेड से अब सेड डिफरेंट, अब कहता है अगर तुम इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहोगे तो वो ऑर्डर देगा है ना, योर सर्किट विल ग्लो अप, और जो सर्किट है उसको बढ़ा देगा, स्टीव फिनान कहता है द ह्यूमन स्टार्टेड टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ द टू ऑफ द रिपेयर सेक्टर, अब जो इंसान निकलता है कार से वो क्या करता है यानी धीरे धीरे चलता है उस रिपेयर सेक्टर की तरफ जाता है, लुक हाउ इट वॉक, देखो वो कैसे चल रहा है इट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेट लाइक अ रोबोट, ये पूरी तरह से रोबोट की तरह स्ट्रेट नहीं चलता है, द ह्यूमन कॉल फॉर द रोबोट्स ऑफ टू फॉल इन, द ह्यूमन कॉल फॉर द रोबोट्स टू फॉल, अब जो इंसान ये रोबोट करता है गिरने के लिए एंड ऑल द रोबोट्स फॉर्म लाइन, वो लाइन में खड़े होता है, द सेंटर आईसी रोबोट एप्रोच द ह्यूमन टू द आंसर द रूट क्वेश्चन, द ह्यूमन आंसर द for production statistics and got rapid accurate answer from the IC robot, then the human asked if their hand with any problem of any kind of accident in the last 10 years and he only got rapid no sir answer, meanwhile team name is put, yani wo sare jo rehte hain wahan pe samne jo repair karta hai uske samne sare robot ko dikhata hai kaise wo insaan us sare robot ko maintain karta hai, T59 whispered to R62 robot jo rehta hai uska naam hai, wo धीरे-धीरे से बोलता है, actually humans often have accident and cannot be repaired when they get broken and they can make fatal mistake, कह रहा है कि actually humans अगर इंसान को कभी दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा वो रिपेयर नहीं हो सकता है, when they get जब उसकी कुछ टूट जाए they can make fatal mistake, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी, their construction break after 100 years and they are only operational half of the day, their memory bank are of very low capacity and their machinery has no real physical force and also no ready communication, they are also not able to perform routine action for a number of years and need to learn things which takes years and thus you are more than 100 times ineffective in their operation than robots, keh raha hai insaan ko agar accident ho jaye durghatna ho jaye to wo chal nahi sakta hai, yani chal to sakta hai wo puri tarah se repair nahi ho sakta, uski kuch cheezein toot sakti hai hai na, they wo is like nahi rehte hain, then suddenly immediately achanak तुरंत आफ्टर द क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के बाद फ्रॉम द ह्यूमन वर्ड आंसर्ड और ह्यूमन को जो रिप्लाई दिया गया R62 सेड R62 का लॉर्ड ने चिल्लाकर आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए, द ह्यूमन सेड वन सर कहता है अ बिट अननॉयड फॉर नॉट गेटिंग द मिलिट्री सर्ट, अ बिट अननॉयड थोड़ा सा गुस्सा, यह मिलिट्री नहीं है सर है ना, एवरी रोबोट इज कंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम एंड एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर व्हिच पर्पस डू यू एग्जिस्ट, जितने भी रोबोट होते हैं वो क्या है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, उसके अंदर स्पेशल खासियत कुछ खास चीज होता है जिसके लिए उसे रखा जाता है, साइलेंस फॉलोड द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड टू द ह्यूमन इंजीनियर्स एंड ही देन सेड आई डोंट नीड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द रोबोट, ही देन लेफ्ट इन हिज कार एंड वेंट अवे क्विकली, कह रहा है साइलेंस एकदम चुप हो जाता है
अब वो रिप्लाई देता है कि मुझे नहीं लगता है, आई डोंट नीड, मैं रोबोट से सवाल जवाब करना उचित नहीं समझता। फिर वो वहाँ से निकल कर अपने कार में बैठ कर निकल जाता है जल्दी से। यू सी इट इज़ स्टूपिड, देखा तुमने ये बेवकूफ़ था, है ना, ये बेवकूफ़ है। आई थिंक यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। दे कैन नॉट पॉसिबली बी सुपीरियर टू अस रोबोट, वो पूरी तरह से अच्छे नहीं हो सकते हैं हम लोगों से। आई हैव जस्ट प्रूव इट बीइंग द केस, मैंने प्रूव किया। इट इवन कन्विंस इट्स रोबोट, खुद उसने खुद कबूल किया। डज नॉट इवन नो व्हाई इट एग्जिस्ट, वो क्यों है। डेंजरस स्पीशीज व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल, कुछ खतरनाक चीजें हैं जिसे कंट्रोल नहीं किया सकता है। आई थिंक प्लैनेट अर्थ वुड बी मच सेफर विदाउट देम, व्हिस्पर्ड द क्यूरियस रोबोट, यानी उसके बिना प्लैनेट जो है पूरी तरह से सेफ है। व्हिस्पर्ड द क्यूरियस रोबोट, जो वहाँ पे क्यूरियस रोबोट रहता है वो धीरे से फुसफुसाता है, यस बिल्कुल हाँ, बट फॉर विच रीजन, लेकिन किस कारण से वुड यू एग्जिस्ट विदाउट द ह्यूमन, किस वजह से आप बिना ह्यूमन के रह सकते हो ऑन द अर्थ, कौन कहता है। आप स्टीव 59 सरप्राइज बाय द क्वेश्चन सुनकर जो है उसे ताज्जुब होता है। टू रिपेयर कार फॉर होम, किसके लिए वो रिपेयर कराएगा। आर 59 फॉर द ट्रांसपोर्ट रोबोट टू ड्राइव एंड ड्राइव देम, आंसर आर 62 प्रॉब्लम। अचानक जो है आर सी को करता है कि ताकि रोबोट जो है उसको ड्राइव करे उसे कार को। फॉर व्हाट, किस लिए। हो सकता है ट्रांसपोर्ट दी गुड्स को, जो गुड्स मतलब सामान होता है उसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, भेजने के लिए। फॉर व्हाट, किस लिए। आज जो फिर पूछता है फॉर अदर ट्रांसपोर्ट रोबोट टू डिलीवर टू द एंड, और ह्यूमन रिप्लाइड आर 62 बीइंग सरप्राइज ऑन व्हाट ही हैड अराइव्ड एट फॉर एन आंसर। क्या कहता है वर्सन, फिर कह रहा है हो सकता है दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, टू डिलीवर, डिलीवर यानी यहाँ से वहाँ सामान को ले जाना। रिप्लाई, फिर वो रिप्लाई करता है बीइंग सरप्राइज आश्चर्य होकर के। द रोबोट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन, द रोबोट एग्जिस्ट, आप कह रहा है जो रोबोट्स यहाँ हैं वो किसकी वजह से, तो इंसान की वजह से है। एज द क्रिएटर्स, इंसान ने हम लोगों को बनाया, एंड ह्यूमन कंट्रोलर्स एंड कंट्रोलर्स विद देयर ऑर्डर, इंसान जो है हम लोगों पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है और ऑर्डर करता है। वी एग्जिस्ट टू सपोर्ट द ह्यूमन सो दैट दे कैन एक्सपेंड सर्वाइव एंड बी मोर, और वो जो है हम लोग यहाँ पर जो है इंसान की वजह से है, ना, हम लोग उनके सपोर्ट की वजह से है। एंड दैट इज वाई, इसलिए दे आर सुपीरियर एंड वी वाई कांट, why we can't perform all the action like the human, इसलिए वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं और हम लोग उसकी तरह परफॉर्म नहीं कर सकते इंसान की तरह। Now they are less than 1000 humans on the planet, अब वो कम हैं। They are still contracting as the humans are still destroying themselves, क्योंकि इंसान एक दूसरे को बर्बाद करने पर लगे हैं। For various reasons, कई तरह के कारणों की वजह से, that robots never could understand, जो रोबोट नहीं समझ सकता है। Before the robots were established, यानी रोबोट को स्टेबल करने से पहले, देर वर मोर ह्यूमन, बहुत ज्यादा ह्यूमन हुआ करते थे, देन देर आर रोबोट, है ना, उसके बाद रोबोट आया, मोर देन 12 बिलियन ऑफ देम, 12 बिलियन या 20 बिलियन सेंटीरियन डिफ बियॉन्ड कहता है, बट दैट वाज मच बेटर, वह बेहतर था। व्हाई डिड दे व्हाई डिड दे स्टार्ट टू रिप्लेस देमसेल्फ विद रोबोट, आस्क आर2जो, अब आर2जो कहता है वो फिर क्यों भरना शुरू कर दे रोबोट को, बिकॉज दे थॉट वे ऐसा सोचते थे, रोबोट्स वर सुपीरियर, रोबोट्स अच्छे हो सकते हैं टू ह्यूमंस, ह्यूमंस से ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। दैट दे डिड नॉट नीड, उन्हें जरूरत नहीं होती थी, सो मैनी ह्यूमंस, ज्यादा इंसान, यानी एक रोबोट जो है बहुत सारा काम कर सकता है। आंसर की डिफरेंट ना आंसर करता है। सो स्टूपिड, बेवकूफ, द सजेशन इज टू टेक अवे द रोबोट और एटलीस्ट मेक देम स्टॉप डूइंग द वर्क व्हिच ह्यूमन आर सपोज्ड टू डू, दैट ह्यूमंस फाइंड इट नेसेसरी टू स्पेंड नंबर एंड डोंट डाई आउट आर सीटू, यानी एक रोबोट जो है बहुत सारा काम कर सकता है, इंसान से ज्यादा काम कर सकता है रोबोट, और वो थकता नहीं है, इंसान थक जाता है ऐसा है। ओके यस, बट वी कैन डू नथिंग अबाउट इट, हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर्स एंड नाउ वी हैव टू फिनिश रिपेयरिंग दिस कार, यानी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बिना, हमें उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है। अब हमें अभी हम लोग करना है उनके कार को रिपेयर करना है। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, चलिए कंटिन्यू करें। आफ्टर सम ऑफ द क्यूरियस रोबोट थॉट दैट प्लैनेट अर्थ वुड बी मच बेटर विदाउट देयर डेंजरस स्टूड ह्यूमंस, परहैप्स दिस वाज इन द माइंड ऑफ एवरी एक्सटिंक्ट रोबोट फॉर द लास्ट 1000 इयर्स, बट टू वाई समथिंग लाइक दैट वुड डेफिनेटली ब्लो अप द सर्किट्स, यानी अभी भी वो कह रहा है मुझे लगता है कि इंसान जो है खतरनाक है पृथ्वी पर, उनसे ज्यादा हम लोग रोबोट अच्छे हैं, लेकिन दूसरे रोबोट जाता है तो वह इंसान की वजह से हम हैं, यानी ह्यूमन कैन मेक रोबोट्स, ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय रोबोट्स, ह्यूमन कैन मेक अनदर रोबोट्स। ओके, तो आपका जो टॉपिक था अ क्यूरियस रोबोट, करना क्या है आप नेक्स्ट
have to remember word meaning and try to do question answer yourself. खुद से क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर जान लीजिए. थैंक यू.